इंदौर बड़ा ही साफ शहर है, सबसे साफ शहर है, तुमने सभी को सर्वे मिल जाए बिजनेसमैन और भारत पे के पूर्व फाउंडर अश्नीर ग्रोवर की मुश्किलें बढ़ने वाली है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, विस्तार से आपको इस रिपोर्ट में हम बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्ष ठाकुर। दरअसल एक बयान देकर अश्नीर ग्रोवर फंस गए हैं। इंदौर पहुंचे थे अश्नीर ग्रोवर और वहां पर उन्होंने मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के सबसे साफ शहर का जो अवार्ड इंदौर को मिला है उसको लेकर कुछ ऐसा बयान दिया कि अब उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। बता दें कि देश के सबसे स्वच्छ और मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर को स्वच्छता में 6 बार नंबर 1 का खिताब मिल चुका है, वहीं 7वीं बार भी इंदौर इसकी तैयारी कर रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि भारत पे के पूर्व फाउंडर अश्नीर ग्रोवर ने इंदौर को मिले 6 बार स्वच्छता में नंबर 1 अवार्ड पर ही सवालिया निशान लगा दिया। उन्होंने कहा कि इंदौर ने स्वच्छता सर्वे का अवार्ड खरीदा है। इतना ही नहीं, ग्रोवर ने यह भी कहा कि सड़कों से रैपर उठाना सफाई नहीं होता है। साथ ही उन्होंने शहर में रात 10 बजे के बाद होने वाली एक्टिविटीज को लेकर भी सवाल किया। उन्होंने कहा कि इंदौर में रात के 10 बजे के बाद कई तरीके की गतिविधियां होती हैं। कल रात को हमने निर्देश दे दिए हैं, क्रिमिनल डिफेमेशन, इंदौर का अपमान, इंदौर की जनता का अपमान, सफाई मित्रों का अपमान, इंदौर में हर वो व्यक्ति जो इंदौर की स्वच्छता के लिए अपनी मेहनत करता है ये उनका अपमान है। इसलिए कल ही निर्देश दिए हैं कि ऐसे फ्रॉड, क्योंकि उनके ऊपर पहले से कई प्रकार के क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड हैं, बड़बोले और बिना ज्ञान के बोलने वाले व्यक्तियों को मैं आयोजकों से भी और इंदौर शहर के बाकी लोगों से भी आग्रह करता हूं कि ऐसे लोगों को बुलाने से बचें। तो इंदौर जनभागीदारी का शहर है, बिना जानकारी के इंदौर शहर के बारे में बोलने का अधिकार किसी को भी नहीं है, इसके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करते हैं। वही आपको बता दें कि अश्नीर ग्रोवर का फिलहाल ये बयान जो है वो वायरल हो गया है और इस बयान पर खासी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। बता दें कि इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इस बयान के ऊपर FIR दर्ज कराई है। उन्होंने इस पूरे मामले में इंदौर की छवि धूमिल करने का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई है। फिलहाल आपको बता दें कि अश्नीर ग्रोवर की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं क्योंकि उनके खिलाफ FIR इंदौर में हो चुकी है। आगे इस मामले में जो भी अपडेट होगा वो MP तक सबसे पहले आप तक लेकर आएगा। खबर इंदौर से भेजिए सहयोगी धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए MP तक के साथ।